30 इंटू 40 हाउस बिल्डिंग प्लान, फोर बेडरूम, ओके 30 फीट इंटू 40 फीट, नेक्स्ट थर्टी फीट एंड 40 फीट, 30 × 40, 1200 स्क्वायर फीट, फोर बेडरूम, टू टॉयलेट, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग एंड पूजा रूम, ओके। तो इसमें हम पूजा रूम भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है इसके अंदर। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस प्लान में। प्लान अच्छे लगने के बाद आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। और अच्छा नहीं लगा, कोई भी डिस्प्यूट है तो आप वहाँ पर डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट वॉल, ओके एंड दिस इज वॉल, ओके एंड दिस इज वॉल इंटरनल रूम, ओके दिस इज वॉल, दिस इज वॉल इंटरनल, 125 या 5 इंच वॉल, ओके एंड दिस इज वॉल एंड ये आपका वॉल, ओके। ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज वॉल एंड नेक्स्ट दिस इज वॉल एंड दिस इज वॉल, ओके पार्टीशन वॉल। तो 5 इंच का पार्टीशन वॉल, इंटरनल एंड आउटर वॉल। पूरा वीडियो को एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ यहाँ पर रखा है और क्यों रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे वॉल के पार्ट और इसके बाद इधर से रखेंगे वॉल, उसके बाद इधर ऐसे रखेंगे वॉल, हो गया। नेक्स्ट हम इधर ऐसे रखेंगे जो वॉल का पार्ट इधर ऐसे, उसके बाद इधर भी हम वॉल रखेंगे ऐसे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से जो वॉल का पार्ट है उसका हम इधर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ऐसे। उसके बाद ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इधर और इधर से इधर तक। उसके बाद
इधर से ऐसे ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर से लाइन ड्रा करेंगे और इधर से, तो हो गया हमारा लाइन ड्रा कंप्लीट। नेक्स्ट जो पार्ट है इधर, जो हमारा स्टेयर का पार्ट ड्रॉ करने के बाद इधर आएगा, जो पार्ट इधर से रखेंगे ठीक है। तो इधर हम जो स्टेयर है उसका ट्रेड और राइजर इधर हम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे करके हम ट्रेड और राइजर इधर प्रोवाइड करेंगे ठीक है। इधर तो हम क्या करेंगे, इधर से आप स्टार्ट करेंगे अंदर जाने का ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लाइन डायग्राम तो हो गया, इसका हम टोटल जो एरिया के हिसाब से क्या क्या चीज़ यहाँ पर रखा है 4 बेडरूम, तो उसके बाद बारे में बात करेंगे ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको कलर करते हैं ठीक है। कलर करने के बाद इसको भी हम कलर करेंगे, जो भी इंटरनल वॉल है देखिए हॉरिजॉन्टल, हम सब कलर करते हैं पहले ओके। और उसके बाद इधर इधर हो गया, उसके बाद इधर से हम कलर करेंगे ऐसे ओके। फिर हम हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों पार्ट में हम इधर कैसे कलर करेंगे वॉल का जो पार्ट है इधर ओके। नेक्स्ट टाइम इधर करेंगे, इधर इधर, उसके बाद इधर इधर, नेक्स्ट इधर, इधर से हम इधर लेकर आएंगे ठीक है। ऐसा हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका जो पार्ट है डोर, पहले देखिए डोर जहाँ पर आना चाहिए, हम इस डोर को पहले ड्रॉ करते तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ रखना है ठीक है। यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर तो डोर आएगा, ऐसा डोर आएगा इधर, तो इधर भी कलर हो जाएगा ऐसा, इधर भी वॉल है ठीक है, इसका डोर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएगा डोर ऐसे, यहाँ पर आएगा ऐसे डोर, इधर आएगा ऐसे डोर कंप्लीट। नेक्स्ट हम आउटसाइड का जो वेंटिलेशन, मैंने इससे पहले भी कहा था इसका जो वेंटिलेशन है इंटरनल वेंटिलेशन आएगा, जो डक्ट वेंटिलेशन ठीक है किचन का। इसके बाद देखिए ऐसे हो गया, इसके बाद हम इधर से ध्यान रखकर के अंदर जाने का, ऐसे हम आप रखेंगे यहाँ पर मेन गेट रखेंगे घर के अंदर जाने का ठीक है। तो गेट से हम स्टार्ट करते हैं घर के अंदर जाने का रास्ता, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस यहाँ पर जो गेट है यहाँ पर डोर रखेंगे, तो यहाँ पर एक लिविंग कम वेटिंग जो भी एक आप रूप रख सकते हैं 6 फीट 4 इंच और इधर 8 फीट 7 इंच का गैप रहेगा ठीक है। देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर डोर, यहाँ पर एक रूम ओके, स्टडी या बेडरूम जो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए 11 फीट डिस्टेंस है यहाँ पर 8 फीट 7 इंच का डिस्टेंस ओके। और इधर जो है एक डोर, यहाँ पर एक बेडरूम तो इसका साइज जो है सॉरी 11 फीट और इधर 12 फीट ओके। इधर जो जगह है इधर डाइनिंग और ड्राइंग का जगह इधर 19 फीट 6 इंच वाइड और इधर
10 feet 3 inch वाइड, ठीक है। इधर डोर किचन, टेन फीट, इधर 7 feet, सॉरी इधर 7 feet 1 inch का इधर है, ठीक है। उसके बाद इधर जो गैप है 7 feet 4 inch का इधर गैप, यहाँ पर एक पैसेज घर के अंदर जाने का, यहाँ पर डोर पूजा रूम कितना डिस्टेंस है देखिए, 6 feet 4 inch और इधर 8 feet। तो घर के अंदर जाने के बाद पूजा रूम दिखा जाएगा, ठीक है। देखिए सीधा पूजा रूम हमने यहाँ पर रखा है, उसके बाद यहाँ पर डोर बाथ एंड लैट्रिन 6 feet 4 inch और इधर 7 feet 1 inch, इधर 7 feet 1 inch और इधर 7 feet 4 inch टॉयलेट, ओके। इधर डोर, तो डोर इधर डोर, ओके। इसके बाद इधर बेडरूम, इलेवन फीट इधर 12 feet इधर बेडरूम, इलेवन फीट 12 feet पूरा बेडरूम का डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा बिल्डिंग के साथ। उसके बाद देखिए स्टेयर का जो पार्ट है 6 feet 10 inch के इधर गैप है और इधर सीधर का गैप जो है 9 feet 8 inch पूरा सीधा इधर तक, ठीक है। तो स्टेयर इधर से आप हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। तो देखिए घर के अंदर जाने के बाद डाइनिंग ड्राइंग किचन एक रूम दो रूम, इसके पास देखिए कॉमन बाथ यहाँ पर किचन के पास, यहाँ पर टॉयलेट, उसके बाद पूजा रूम दो बेडरूम, ओके। यही प्लान का जो यहाँ पर सिस्टम, उसके बाद हम क्या करेंगे इधर आपका जो कलम है कलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर, 20 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट टोटल जो आएगा इसका देखिए 15 to 20 lakhs, ओके। और टोटल जो इसका नंबर ऑफ कॉलम तो आपको मिल गया, नंबर ऑफ कॉलम 20, ओके 16 mm और फोन नंबर्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यही था इसका प्लान, प्लान अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।